बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का मौजू अल्लामा इकबाल की तवील नज़्म खिज़र राह है। नज़्म के पैकर में जज्बे और एहसास की तजसीम सिर्फ उसी वक्त असरंगेज़ी की सिफत से हमकिनार होती है जब शायर को फ़न्नी हुनरमंदी के साथ साथ इजहार पर भी मुकम्मल दस्तरस हासिल हो। तवील नज़्म में ख़ास तौर पर यह बात और ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि तवील नज़्म में मौजू को गिरफ्त में रखना, मानी व उसलूब में हम आहंगी कायम करना, ज़िंदगी की कुलियत को समेटना और उसके साथ साथ कारी की दिलचस्पी को बरकरार रखना भी एक इंतहाई मुश्किल अमर है। अल्लामा इकबाल के उर्दू शेरी सरमाए पर नज़र डाली जाए तो हमें उसमें कई तवील नज़में उस सरमाए का हिस्सा नज़र आती हैं। मसलन शिकवा जवाब शिकवा, शमा व शायर, तुलू इस्लाम, खिज़र राह, मस्जिद करतबा, ज़ौक़ शौक़, साकी नामा और इबलीस की मजलिस शोरा वगैरह। हमारे बहुत से नाक़िदीन ने इन तवील नज़मों के हवाले से बहुत काबिल क़दर काम भी किया है। आज हमारे पेश नज़र अल्लामा इकबाल की एक बहुत अहम तवील नज़म खिज़र राह है जो बांगे दरा में मौजूद है। खिज़र राह पहली मरतबा अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के 37वें सालाना इजलास में पढ़ी गई थी, जिसका इनकाद इस्लामिया हाई स्कूल शेरांवाला के शेरांवाला में अप्रैल 1922 में हुआ था। अल्लामा इकबाल ने इस इजलास में इस नज़म को एक ख़ास लय में पढ़ा, ख़ुद भी कई मरतबा आप दीदा हुए और हाजरीन पर भी कई मरतबा गिरिया तारी हुआ। इब्तदा में इस नज़म के सिर्फ दो हिस्से थे, पहले दो बंद का उन्वान था शायर और आखिर के जो नौ बंद हैं उनका उन्वान था जवाब खिज़र। लेकिन बाद में अल्लामा इकबाल ने इस पर नज़र सानी की और मसाइल के हवाले से छः मुख्तलिफ उन्वानात इस नज़म के कायम किए। वो उन्वानात कुछ यूँ हैं: शायर, सहरा नवर्दी, ज़िंदगी, सल्तनत, सरमाया व मेहनत और दुनियाए इस्लाम। इन मौजूआत को अल्लामा इकबाल ने खिज़र और शायर के किरदार के ज़रिए एक वहदत अता की है। ये पूरी नज़म मुकालमाती उसलूब में लिखी गई है, इसमें ड्रामाई अंसर भी शामिल हो गया है और जिसकी वजह से नज़म की किरत में कारी की दिलचस्पी बरकरार रहती है। यह नज़म तरकीब बंद की हैत में है, इसमें 11 बंद हैं और ये 85 अशार पर मुश्तमिल है। अल्लामा इकबाल ने तरकीब बंद की रिवायती हैत में भी अपनी जिद्दत तबा के तहत कुछ तब्दीलियाँ की। इससे कबल तरकीब बंद में अशार की मुअय्यन तादाद हर बंद में मसावी होती थी, लेकिन अल्लामा इकबाल ने पहले शमा व शायर में इसका तजर्बा किया और फिर बाद में खिज़र राह में, तो ये तजर्बा बहुत वाज़े और नुमायाँ होकर सामने आता है। मसलन उसके कुछ बंद ऐसे हैं जिनमें 6 अशार हैं, कुछ में 7, कुछ में 8। बंद नंबर 6 में 11 अशार हैं और 10वें बंद में 9 अशार। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अल्लामा इकबाल के यहाँ ख़याल के बहाव को किस कदर अहमियत हासिल थी। जहाँ ख़याल मुकम्मल हुआ वहाँ उन्होंने बैत वासिल के तौर पर एक शेर कहा और बंद को भी मुकम्मल कर दिया। इस नज़म की एक और खसूसियत यह भी है कि अगरचे ये नज़म मुख्तलिफ उन्वानात में तकसीम है लेकिन उसके बावजूद ये मौजूई वहदत की हामिल है। अंग्रेज़ी अदब में तो हमें इस किस्म के तजर्बे नज़र आते हैं, मिसालें नज़र आती हैं, लेकिन उर्दू में खिज़र राह इसकी पहली मिसाल है। खिज़र राह एक ज़माने में बहुत मकबूल नज़म थी। प्रोफेसर असलूब अहमद अंसारी ने कहा कि इस नज़म की हर दिल अजीज़ी का जो सबब है वो ये है कि इसके मौजूआत जो हैं उनमें एक हंगामी अहमियत और कैफियत नुमाया है। तो असलूब अहमद अंसारी के इस ख़याल की रोशनी में हम ये देखते हैं कि इस नज़म का पस मंज़र क्या है। याद रहे कि यह नज़म पहली मरतबा सन 1922 में पढ़ी गई थी। ये वो दौर था जब आलमी सियासत में एक हलचल मची हुई थी। पहली जंग अजीम के तबाहकुन असरात अब तक मौजूद थे, इनकलाब रूस की हंगामा खेजियाँ जारी थीं, यूनानियों के हाथों तुर्कों की शिकस्त की वजह से खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर पड़ चुकी थी, मिल्लत इस्लामिया की सूरत हाल बहुत नाजुक थी, मगरबी साजिशों, अरब कौमियत के नारों और शरीफ मक्का की बगावत की वजह से खिलाफत उस्मानिया पारा पारा हो चुकी थी। एक नई यहूदी रियासत की के क़याम के लिए राह भी हमवार की जा रही थी। ऐसे में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत
और तहरीक हिजरत जैसी तहरीकें भी अपने मकासद के हुसूल में कुछ ज़्यादा कामयाब दिखाई नहीं देती थी। इंसानियत की तबाही, सियासी रेशादवानियों और मिल्लत इस्लामिया की जुबोंहाली की वजह से अल्लामा इकबाल एक गहरे इस्तराब में मुब्तला थे और उनका सोजे दरूं बढ़ता जा रहा था। ऐसे में नज़्म खिज़र राह तख्लीक हुई। इस नज़्म का जो पहला उन्वान है वो है शायर, जिसके दो बंद हैं। नज़्म का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि एक रात शायर बहुत ही इस्तराब के आलम में साहिल दरिया पर टहल रहा है। इस मरहले पर मंजर निगारी दर्जा कमाल को पहुंची हुई है। रात का सन्नाटा और फितरत का हुस्न दोनों कारी पर अपना भरपूर तासर कायम करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मुजर्रद फितरत निगारी के बजाय एहसास की सतह पर उसका इजहार हुआ है। फिर ये कि शायर के इस्तराब और फितरत के सुकूत में जो हम आहंगी है वो भी बेमिसाल है। इस हवाले से हम तीन अशार देखते हैं। शब सुकूत अफजा, हवा आसूदा, दरिया नरम सैर, थी नज़र हैरान कि ये दरिया है या तस्वीर आब, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार, मौजे मुस्तर थी कहीं गहराइयों में महवे ख्वाब, रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, अंजुमे कमज़ो गिरफ्तारे तिलिस्मे महताब। शायर का ये इस्तराब किसी ज़ाती अलमिये के सबब नहीं, बल्कि इसमें ज़िंदगी के असरार रमूज और उसकी उहदा कुशाई का जो एहसास था वो नुमाया था। इसी आलम इस्तराब में शायर की मुलाकात खिजर से होती है, जिसके आलम पीरी में भी रंगे शबाब झलक रहा है। यहाँ पर दरअसल अल्लामा इकबाल ने हज़रत खिजर की जो उम्र का एक रिवायती तसव्वुर है उसकी तरफ इशारा किया है। बहरहाल शायर खिजर को चश्मे जहाँबीन समझते हुए उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं और ये कहते हैं कि आपके सामने तो इल्म मूसा भी हैरत फरोश है, कश्ती मिस्कीन जाने पाक दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। इस शेर में कमाल की तलमी निगारी की गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिजर की मुलाकात और फिर वो पूरा वाक़या कश्ती में सुराख करने का और फिर दीवार को तामीर करने का और एक इंसानी जान के को लेने का जो कुरान में बयान हुआ है, अल्लामा इकबाल ने उसको सिर्फ एक शेर में समो दिया है। बहरहाल शायर खिजर से कुछ सवालात करते हैं और सवालात की नौयत कुछ ऐसी होती है कि आबादियों को छोड़कर खिजर सहरा नवर्दी और जहां गर्दी में क्यों दिलचस्पी रखता है, ज़िंदगी का असल राज क्या है, सल्तनत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और सरमाया और मेहनत में ये झगड़ा कैसा है, और अहले मशरक ख़्वाब गरांखेज से कब बेदार होंगे, और मिल्लत इस्लामिया की ज़ुबोंहाली की असल वजूहात क्या हैं, ज़िंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है, और ये सरमाया और मेहनत में है कैसा खरोश, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। अगर हम देखें तो इस बंद में इल्म मूसा का हैरत फरोश होना और एशिया के खरक़े देरीना का चाक होना और औलाद इब्राहिम का एक नई आतिश नमरूद से बरसरे पैकार होना, ये सब एक ऐसी तलमीहात हैं जो कारी को नए हकायक की जस्तजू पर उकसाती हैं और इसके साथ साथ इस मौजू को एक वसी तनाजुर भी फराहम करती हैं। नज़्म के दूसरे हिस्से का नाम सहरा नवर्दी है, जिसमें खिजर सहरा नवर्दी को अज़्म सफ़र और हरकत व तगैर की दलील बताते हुए ज़िंदगी के असरार और रमूज से शायर को आगाह करते हैं। ख़ुद इकबाल के सामने भी मुसलमानों का एक पूरा माजी मौजूद है। अरब के खाना बदोशों और सहरा नशीनों ने किस तरह अपने अज़्म अमल के ज़रिए पूरी दुनिया को मुतासर किया और अपनी हुकुमरानी कायम की। यही वजह है कि इकबाल यहाँ पर खिजर से ये कहलवाते हैं कि पुख्ता तर है गर्दिशे पे हमसे जाम ज़िंदगी, है यही है बेखबर राज़े दवा में ज़िंदगी। इस बंद में भी अगर गौर किया जाए तो मंजर निगारी अपने उरूज पर है। बांगे रहील का दश्ते फ़ज़ा में फ़ज़ाए दश्त में गूंजना, रेत के टीले पर आहू का खराम नाज और बामे गर्दों से जिब्रील अमीन की जबी का नुमाया होना, ये सब न सिर्फ ये कि फितरत के मादी मजहर को एक तजरीदी सूरत में पेश करते हैं बल्कि एक महसूसात की सतह पे फितरत के जमाल को आश्कार करते हैं। नज़्म का तीसरा हिस्सा ज़िंदगी है, जिसके दो बंद हैं। इस हिस्से में
ज़िंदगी की असल हकीकत को इंतहाई दिलकश उसलूब में आश्कार किया गया है और ये कहा गया है कि ज़िंदगी सूदो ज़ियां से बेनियाज है और ज़िंदगी को पैमाना अमरोज़ो फ़र्दा से नापना नादानी है और जावेदा पहम दवा और हरदम जवां रहने वाली ज़िंदगी का हक सिर्फ वही लोग अदा कर सकते हैं जो अपनी दुनिया आप पैदा करते हैं और इसके साथ साथ आज़ादी को ग़ुलामी पर तरजीह देते हैं। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीर कुन फिका है ज़िंदगी, बंदगी में घट के रह जाती है एक जुए कमाब और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे, खाके मशरक पर चमक जाए मिसाले आफ्ताब, ताब अदख्शां फिर वही लाले ग्रां पैदा करे। और ये घड़ी महशर की है, तू अरसए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। ज़िंदगी के जाम का गर्दिश पैहम की तलाश में रहना, ज़िंदगी का अपनी क़ुव्वत तस्खीर से आश्कार होना, आज़ादी में बहरे बेकरां बन जाना और उसे अमरोज़ो पैमाना अमरोज़ो फ़र्दा के पैमाने से अलग रख के वक्त की रफ़्तार से और वक्त की क़ैद से आज़ाद करना, ये वो इस्तियारे हैं, ये वो सूरत हाल है जिसमें हम ये देखते हैं कि फ़र्द की इनफरादी और इज्तमाई हैसियत और उसकी क़ुव्वत फ़िक्र व अमल भी उजागर हुई है। सल्तनत, सरमाया, मेहनत और दुनिया इस्लाम, इस नज़्म के आखिरी तीन बहुत अहम हिस्से हैं जिसमें इंतहाई अहम इशारे किए गए हैं। मसलन खिज़र मगरिब के जमहूरी निज़ाम को साज़े कोहन करार देते हुए सरमायादाराना निज़ाम की अय्यारियों और चालाकियों से हमें ख़बरदार करते हैं और इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मगरिब के जमहूरी निज़ाम के पर्दे में दरअसल नवाए कैसरी बुलंद होती है, लेकिन नादान अवाम मलूकियत की जादूगरी को आज़ादी की नीलम परी समझते हैं और बंदाए मजदूर बरगे हशीश की तरह सरमायादाराना निज़ाम के नशे में गिरफ्तार है। इसीलिए वो जदीद इंसान को मशरिक़ो मगरिब में एक नए दौर का आगाज़ करने की तरगीब देते हैं और मशरिक़ की निजात के लिए मिल्लत इस्लामिया की बेदारी और रब्तो ज़ब्त मिल्लत बैज़ा को भी बहुत ज़रूरी ख्याल करते हैं। ये वो फ़िक्री अनासिर हैं जो इकबाल से कबल और खिज़र राह से कबल हमारी उर्दू शायरी में कभी दाखिल नहीं हुए। अल्लामा इकबाल के की इस नज़्म के जो आखिरी तीन हिस्से हैं उसके कुछ बहुत अहम अशार समात कीजिए। आ बताऊँ तुझको रमज़े आए इन्नल मलूक, सल्तनत इकदाम अक्वाम गालिब की है एक जादूगरी, सल्तनत अक्वाम गालिब की है एक जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी, देवे इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए कोब, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी, और नस्ल कौमियत कलीसा सल्तनत तहजीब रंग खाजगी ने खूब चुन चुन कर बनाए मुस्करात, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात, उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है, और रब्तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरिक़ की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर, एक हों मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशिगर, नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके रह गुज़र। हम देखते हैं कि ये नज़्म खिज़र राह अल्लामा इकबाल के फ़िक्र व फ़न का एक अजीम शाहकार है। बुनियादी तौर पर इसके दो ही किरदार हैं, शायर है जो जोया असरार अज़ल है और खिज़र का किरदार एक मजहबी रिवायती और मुक़दस किरदार है। अहमद हमदानी ने कहा है कि दरअसल खिज़र राह के पर्दे में इकबाल का शऊर बोल रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि इकबाल के शऊर के साथ साथ अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर इंसानी बसीरत को भी खिज़र राह के तौर पर पेश किया है और वो तमाम इंसानों को ये दावत देते हैं कि वो आलमी सियासी माशी निज़ाम के तारोपौद और उसके पर्दों में छुपी हुई मकरोफरेब की जो चालें हैं उनको समझें और अपनी बसीरत को खिज़र राह बनाएं।
हम ये देखते हैं कि ये नज़्म जो है ये बहरे रमल में है, इसका आहंग इंतहाई दिलकश है और इसमें जो तराकीब हैं वो इंतहाई नई हैं और पूरा ख़जाना है। इस वक्त तो वक्त नहीं है, खिज़र राह की तराकीब पे पूरा मज़मून लिखा जा सकता है, इतनी नई और ताज़ा तर और बेहतरीन तराकीब हैं जिससे नज़्म के हुस्न में बहुत इजाफा हुआ है। डॉक्टर इबादत बरेलवी ने कहा कि इस नज़्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मौजूई बसीरत फ़नी सलीका शियारी से गले मिलती हुई नज़र आती है और प्रोफेसर आलिया अहमद सुरूर ने इस नज़्म को उर्दू शायरी का अहदनामा जदीद करार दिया है। इत्तफाक़ की बात यह है कि हम 2022 में इस नज़्म पर गुफ्तगू कर रहे हैं और 1922 में यानी आज से 100 साल पहले सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का ऐलान हुआ था और फिर हम ये देखते हैं कि आज वो वक्त है कि जब मगरिब के जमहूरी निज़ाम पर सवालात उठने लगे हैं। ये वो वक्त है कि जब मगरिब मशरिक की तरक्की से और उसकी फ़िक्र से कुछ खौफजदा सा नज़र आता है। ये वो वक्त है जब मुआहदा बालफोर को भी 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है आलमी और सियासी कि जिस पर अगर नज़र डाली जाए तो इस नज़्म की अहमियत हमें और बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस नज़्म की जो तारीख़ी और समाजी जो इस नज़्म में जो तारीख़ी और समाजी सूरत हाल पेश हुई है उसको आज के अहद से वाबस्ता करके समझना और नई नस्ल को समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ख़ुद भी इसी नज़्म में ये बात कही है कि खोल कर आँखें मेरे आई नए गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। बहुत बहुत शुक्रिया।